के बाद ना पैसे खर्च कर। मेरा बेटा, अरे आप कहाँ से आ गए? आशीष साहब, मेरा बेटा। आई मेरा बेटा, कितने प्यारे लग रहे हो आप। पैसे खत्म हो गए हैं और मेरा, लेकिन शौहर अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गया है, वो मुझे पैसे दे सकता है अगर उसकी दिल हो तो। वैसे जैसे तुमने हमारी शादियां बर्बाद करी थी ना, जैसे इसने हमारी शादियां बर्बाद करी थी ना, असल ना तेरी शादी हमने ना करी ना। मुझे नहीं पता था इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का। आप लोगों से बड़ा डरती हूँ यार मैं वीडियोस की वजह से कि कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि आप डिजर्व करती हो, आप गई हो, हमें अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा और ऑडियंस को अच्छा लगा तो समझो मेरा सब कुछ हो गया। सो चल झूठ। इस वक्त भाई हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, डॉलमेन जाएंगे, तारिक रोड जाएंगे और थोड़ा सा चीजें वगैरह लेनी है। ईदी जाएगी, मेरी बहन की पहली ईद है, सो उसके लिए कुछ मुझे गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं, घर वालों के लिए कुछ लेना है। सो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, वो सब होगा। और वो देखें चिंटू कैंडी और मेरी जो है ना वो अभी इस वक्त ट्यूनिंग, ये देखें भाई अब इस शख्स को देखें, ये सोकर उठा है, मस्ती के मूड में है। और यहाँ पर जो है मुझे लेने के लिए आने वाला है कोई, और तकियों से मुझे जो है ना वो इसको पूरा पैक करना पड़ता है। बड़ा भाई इसका नन्ना के घर पर है, और बड़ा भाई जो है वो इसका नन्ना के घर पर है, वो पहले ही चला गया था कि मामू साहब आए थे मुझे अफ्तारी देने के लिए, तो मामू के पीछे लग के वो चला गया था। बहुत गंदी चाय बनाई है मैंने, उल्टी हो जाए किसी को, मैं इतनी गंदी चाय बनाती हूँ, मतलब मेरे हाथ की चाय कोई ना ही पिए तो ठीक है। बाकी यार आप लोगों ने मुझे बताया कि मैं बहुत प्यारी लग रही थी, मेरा सूट बहुत प्यारा लग रहा था। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सो थैंक यू सो मच। वो सूट आप लोग जाकर खरीद सकते हो, इंस्टाग्राम पे पेज है शॉपअद्दी, वहां का वो सूट था, बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा जी, सो इस वक्त तैयारी हमारी ये है कि रोजे के बाद कहा था कि ड्राई क्लीन के लिए कपड़े जाएंगे, वो नहीं आए अभी तक, ये पूरे पोटले जाएंगे ड्राई क्लीन के लिए, कपड़े धुलने के लिए। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो गिफ्ट्स वगैरह हैं, ये घर पे लेकर जाना है मुझे। अरसलना के लिए मैंने एक जोड़ा मंगवाया था, वो मुझे लेकर जाना है। इस जोड़े पर चाय गिर गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना वो अब बिल्कुल सेट है। ये एक जोड़ा आया हुआ है जिसकी मुझे वीडियो बनानी थी। एंड इस, ये पर्दा जानी मेरी दोस्तों, मेरे भाइयों, ये पर्दा मेरी साड़ी का नहीं है, मैं किसी दिन साड़ी निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग बार बार मुझे कह रहे हो कि आपने साड़ी का पर्दा बना दिया, मैंने बहुत एक्सपेंसिव साड़ी बनवाई थी गाइज, वो बहुत 9 गज की साड़ी है, इतना बड़ा पल्लू है और वो इतनी मतलब महंगी सिली थी, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, वो डिजाइनर साड़ी है भाई, मैं उसका ऐसे पर्दा नहीं बना सकती कम से कम एक बार पहनने के बाद, तो डोंट वरी। ये सारी चीजें, बस अभी मेरी गाड़ी आने वाली है तो फिर मैं चलूंगी आपके साथ ये सारा सामान उठा के। चुच्चू रो रहा है, चलो आओ उसके पास चले। चुच्चू मेरी जान, आप इतना क्यों रोते हो मेरी जान? माँ सदके, माँ कुर्बान, माँ बारी, अल्लाह अल्लाह। गाइस ये बहुत रो रहा है, जरा मैं थोड़ा सा इसको संभालती हूँ और उसके बाद फिर आपके साथ मिलती हूँ। बहुत अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, सो हम लोग घर पर आ चुके थे, हाँ मुझे भी ओशन मॉल लग रहा है, घर पे आ चुके थे, मम्मा की तरफ सारी चीजें वगैरह दे दी, कुछ चीजें वगैरह लाई थी। इस वक्त हम लोग जाने वाले हैं, ड्राइवर की कॉल आ गई है, सो हम लोग जा रहे हैं तारिक रोड, डॉलमेन हमारा कैंसिल हो गया, तारिक रोड पे हम जो है ना रोड नापेंगे एंड उधर ही घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। लेट्स गो गाइस, सो हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं, लेट्स गो, चलो अंदर चली जाओ। थैंक्स, हम मोटे नहीं है, तुम जरूरत से ज्यादा पतली हो। हल्की तो हमने अरसलना को बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस दिलाया। अरसलना थैंक यू बोल दो। थैंक यू। थैंक यू की जरूरत नहीं, आ जाओ। चल झूठ। कितनी प्यारी लग रही है, जब मेरी प्यारी सी गुड़िया आएगी ना, मेरी बेटी, उसको ये पहनाऊंगी मैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अपने बेटों को भी यही बनाऊंगी। अरे कहना क्या चाहते हो?
अच्छा जी, सो अभी देखो भाई हमारी शॉपिंग हो गई है, हमने अरसाना को ड्रेस दिलाना था। चलो ऑल ऑलमेंट चलो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज टी शर्ट सारा फरमान। ओके, यस यहां बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। ऑल्सो मैं इवेंट प्लानर भी हूँ, तो अच्छा इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं लाइक सीबो की तरह। सीबो की तरह, हाँ जी हाँ जी। और हमारा भी अच्छी सर्कल है वो मैंने एंटरप्रेन्योर का। लास्ट टाइम मैंने सोचा आपको बहुत ट्राई भी किया आई गेस, लेकिन शायद मेरा आपसे कॉन्टैक्ट हो नहीं सका। ओके, कोई मसला नहीं, आप मेरा नंबर ले लें, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह फिर हम कॉन्टैक्ट। सूट दिलाओ और सन्ना ये दिलाओ, अगर दिला रही हो कुछ तो ये दिलाओ। ये इनके कपड़े अभी 15,000 की हैं, नॉट बैड। कितने की है? 15,000 की है, देखना कितने की है। 16,000। सलना के साथ हम आ गए, गलती हो गई हमारी है, हमको ना स्ट्रीट पे घूमने नहीं देती, कहती है मॉल में चलो, और मुझे मॉल में नहीं जाना, रोड पे घूमना है, कुंदा कुआरी करनी है, मज़ा आता है। बहुत खूबसूरती कदम रखना पड़ेगा। आते के साथ ही मेरी बहन अरसलना से मेरी लड़ाई होना शुरू हो गई है, और माशाल्लाह हमें बहुत सारे फैंस एंड फॉलोअर्स मिल रहे हैं। अभी एक इतनी ज़बरदस्त भगम बंदी थी, उसने मुझे बोला यार आपकी वीडियो देख के दिल खुश हो जाता है, और जो आप बनाती हो ना मज़ा आ जाता है, वो इतना अच्छा लगा। यहाँ पर अरसलना पैसे ज़ाया करते हुए अभी ऑलरेडी लेकर आ चुकी है सारी हर तरह की हील्स वगैरह, लेकिन अभी इसने बैठे बैठे देख कर दूँ ले लिए माशाल्लाह से। खैर चलो, हाँ ना, ड्रामेबाज औरत, ये बहुत ना हमें, ये बहुत हमें बर्बाद करती है अरसलना, बहुत तंग करती है ये। इसकी क्वालिटी देखो, इसकी ये निकल अरसलना, इसकी क्वालिटी देखना सर, ये देखो अरसलना है पहनूंगी। तो मैंने कहा हम तुम्हारी शादी में ऐसे ही करेंगे जैसा तुमने करा था, दुल्हन से ज्यादा महंगे महंगे कपड़े पहने थे इसने, कहा गई हाँ इस औरत ने, तो हम इसकी भी शादी खराब करेंगे, इसकी माइयों खराब करेंगे इंशाल्लाह। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे तुमने हमारी शादियां बर्बाद करी थी ना, जैसे इसने हमारी शादियां बर्बाद करी थी ना अरसलना, तेरी शादी हमने ना करी ना, हमारा नाम उरूज नहीं। भाई मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ले गए कुछ नहीं रहे हम, क्योंकि ये आज हमारा फर्स्ट विजिट है। अभी तो हमें ईद से पहले 10 चक्कर काटने, फिर जाकर कुछ एक खरीदेंगे हम। और अरसलना गुस्सा करिए कि फटाफट ले लो, मैंने बोला भाई अभी तो हम बहुत घूमेंगे, है ना, हाँ, लेकिन ये पुराना हो गया, ये भी पिछले साल वाले। अच्छा जी, चलो जल्दी जल्दी चलो, हम लोग बहुत थक गए हैं गाइस, थोड़ी थोड़ी सी हमने शॉपिंग कर ली है, और बड़ा मज़ा आ रहा है, और हर वक्त माशाल्लाह जो है ना अरसलना को छेड़ के जो ज़िंदगी में मज़ा आता है वो ज़िंदगी में किसी चीज़ में नहीं आता। सबसे ज़्यादा अरसलना को ना मैं तंग करने लगी हूँ आजकल, और मुझे ऐसा लग रहा है आए तो हम एक साथ हैं, लेकिन जाएंगे हम लड़के, वैसे अल्लाह ना करेंगे हमारी लड़ाई हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काशिफ हमें हो सकता है ज्वाइन कर ले, आधे एक घंटे बाद काशिफ हमें ले ले, और यस तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे फैंस मिल रहे हैं। तो अगर किसी की बैटरी डाउन है या किसी के पास फ़ोन नहीं है, तो उनके साथ खुद ही मैं पिक्चर्स ले रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ इंस्टा पे मैं आपको खुद भेज दूंगी, आपको कोई ऐसी बंदी मिलेगी। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? बस उनका प्यार देख, इतना कोई गुस्सा दिला रही है ना अरसलना, बहुत गुस्सा दिला रही है, कह रही है फटाफट चलो, इतना रश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, निकल जाए। लेकिन जब तक मुझे एक बात बताओ, मुक्का धुक्की ना हो, धक्का मुक्की ना हो, रश ना लगे, हैं वेल ना पड़े, तब तक थोड़ी मज़ा आता है ईद की शॉपिंग का। इसको बहुत सादी सादी शॉपिंग चाहिए, हमें थोड़ी चाहिए सादी सादी शॉपिंग। इतनी दूर से मेरी बहन आई हुई है एनी, ठीक है, और वो धक्के खाने आई है हमारे साथ, और कह रही है नहीं मैं धक्के खाने नहीं दूंगी, पागल। मैंने इस तरह 3-piece सूट पहन के ना गलती कर दी कि मैं आ गई, मुझे ट्राउज़र इस तरह की मार्केट्स में ना, चाहे मॉल ही क्यों ना हो, ट्राउज़र और अपना ढीली सी शर्ट पहनी हुई है और स्ट्रॉलर डाला, आप चले गए हो। अब 3-piece सूट पहन के ना मैं दुपट्टा ही अपनी संभाले जा रही हूँ बस। अभी हम जा रहे हैं वॉशरूम, वॉशरूम से हम होंगे फ्रेश, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग कुछ खाएंगे। और आप लोग भरपूर माशाल्लाह से मुझे मिल रहे हो, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है आप लोगों से मिलकर कि मैं क्या बताऊँ। और इतने अच्छे अच्छे लड़के देख के होता है कि जल्दी शादी कर लें,
यार अरसलना, अरसलना लड़का देखा पीछे वाला, पीछे वाला लड़का देखा कितना प्यारा है, पीछे लड़का है वहाँ पे बंदी के साथ, क्या लड़का लग रहा है यार। काशिफ मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। चल झूठ, क्या ले रही हो? तो सब लोग अपना अपना लेने के लिए गए हुए हैं, मैंने लिया है मिर्ची के अपने यही वाले गोलगप्पे जबरदस्त वाले, थैंक यू, लेट्स गो। इतना मुझे इतना अच्छा लगता है यार, लोग जो है ना इतनी दूर दूर से मुझे बता रहे हैं, हम नीचे से आपको ढूंढते हुए ऊपर आए हैं और सेल्फी लिए, थैंक यू यार। यानी यार मतलब बड़ा शुक्र अदा करने का दिल करता है यार, बेशक यार करना भी चाहिए यार, मैं तो हैरान हूँ देख के। अब अच्छा मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है ना, एक चीज़ लगी थी, मैं ना अभी एक मज़े की बात बताती हूँ, ये सारा लोगों का प्यार देख के मुझे एक चीज़ होता है कि यार हर चीज़ पैसा नहीं होती है, अगर आप पैसे से कमाना भी चाहो तो ये इज्जत, ये मोहब्बत, ये सारी चीज़ें आप नहीं कमा सकते। चल झूठ, बेशक है ना, इतना ज़्यादा लोग जो आपको प्यार करते हैं, पैसा वैसा तो देखो जब आप मेहनत करते हो तो वो एक ना एक दिन आपके पास आ ही जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन ये जो प्यार है ना, ये जो मोहब्बत है ना लोगों की, ये एक बड़ी चीज़ है। खैर हमने अपने गोलगप्पे खा लिए, एक बचा हुआ है मेरा, बस हो गया। तुम लोगों ने क्या लिया है? ओपीडीपी। और उसने क्या लिया चुया ने? उसने ओपीडीपी बर्गर, मैंने फ्राइज। ओके, इनका बर्गर फ्राइज आएंगे तो वो भी चखेंगे हम, बाकी बाहर से दिल चाह रहा है वो चाउमिन वगैरह जो रोड पे मिलते हैं ना वो खाएं, लेकिन देखो अभी हम वहाँ पे पहुँचते हैं या नहीं। अरसलना को लेकर आ गए ना हम, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अरसलना ना सारा रश से घबराती है और हमें रश में मज़ा आता है, हम तो आए ही रश में घूमने के लिए हैं। बहरहाल लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मैं कपड़े पहन के ना तमीज़ वाले नहीं आऊँगी मैं, सिर्फ आप, हाँ मुझे लेना है अभी लेंगे, अभी हम नीचे से ले लेंगे। अच्छा तो ना मैं स्पेशली ना ये वाले कपड़े पहन के अब नहीं आऊँगी, मैं सिर्फ आप लोग की वजह से आती हूँ कि आप लोग को मैं मिलूँ तो मैं ज़रा तमीज़ के मिलूँ, अदरवाइज़ तो यार कम्फर्टेबल रहते हैं मैं अपने कपड़ों में। अरसलना कहाँ चली गई? ओपीडीपी लेने के लिए। अच्छा रश है लेकिन उतना भी कोई रश नहीं है कि आप बोलोगे बिल्कुल ही कोई दहल का आया हुआ है, बाहर है रश अभी, मुझे ना स्ट्रीट घूमनी है, बस जल्दी से यहाँ से खा कर ना स्ट्रीट घूमेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुल्फी खाने के लिए सामने, और हमने किसी को कुल्फी खाते हुए देखा, बहुत नियत लगाई, नाम है ये लोग तो उन पर हमने बहुत नियत लगाई, अल्लाह ताला उनके पेट में दर्द ना हो। लेट्स गो, चलते हैं कुल्फी उल्फी खाते हैं, काशिफ पिक करने के लिए आने वाले हैं, फिर हम काशिफ के साथ मज़ा करेंगे। सो अरसलना ने पैसा खर्च करके हमें कुल्फी दिलाई है, 70 रुपये की कुल्फी मेरी बहन ने दिलाई है, 80 की हो गई, 80 रुपये डिस्काउंट दी। वाओ थैंक यू भाई, ठीक है। सो मेरी बहन ने वाओ, अरसलना ने बहुत खर्चा कर दिया गाइस, वैसे तो ये खर्चा करने के पीछे पड़ी थी लेकिन अभी इसका खर्चा नहीं करा रहे हैं। रही हूँ ना अरसलना, मैंने अगर तुम्हारे ऊपर वीडियो बना दी ना, अगर तुम मुँह छुपाती रहना, नाम लेके बनाऊंगी तुम्हारे ऊपर वीडियो बनेगी, ऊपर से जब देखो हमारे देखती रहती है, तुम मोटी हो गई, तुम ये हो गई, तुम वो हो गई। मैंने कहा खुश शादी करके दो बच्चे पैदा कर लो, फिर उसके बाद बोलना हमें मोटी छोटी, आई बड़ी मुँह तोड़ दूंगी, मैंने बोला मुँह नोच लूंगी मैं, मुझे कुछ भी बोला तो अगर बताओ, ऐसी बहनें हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे। फाइनली हम लोग जो है ना वो बहुत थक चुके हैं और हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कुछ ख़रीदने के लिए, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें, और अब हमारी शादी भी हो चुकी है, कुछ हो भी नहीं सकता भाई, इसी के पास नहीं है, मेरे पास तो है। अच्छा गाइस, अच्छा ठीक है गाइस, मेरी बहनों के पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, चल झूठ मेरा। लेकिन शोहर अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गया है, वो मुझे पैसे दे सकता है अगर उसकी दिल हो तो, वैसे उसने मुझे जितने पैसे दिए मैं खर्च कर चुकी हूँ, मैं कपड़े जूते सब ले चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरे शोहर ने मुझे अच्छी बीवी बुरी बीवी करार दे दिया है कि तो, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, मैं जितने पैसे दो तुम सारे पैसे खर्च कर देती हो और तुम बिल्कुल भी जोड़ने वाली बंदी नहीं हो। मैंने कहा मैं जितना जोड़ना था ना मैंने शादी से पहले जोड़ दिया, अब सब तोड़ूंगी मैं, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हमारे पास हम उतना बस खा लो और खत्म कर दो वाली बात है। खैर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लड़के लुड़के भी घूम रहे हैं, एक अंकल घूम रहे हैं बड़े अच्छे ठंडे वाले, वो पैसे निकाल रही है और सन्ना उसके पैसे देखने गई है एनी मैडम के, इतनी बदतमीज बहन है देख लें आप।
अच्छा जी, सो हमारी शॉपिंग क्या क्या हुई है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एक जोड़ा लिया है हमने अद्दी का, और एनी ने कुछ दो जो है वो शूज़ वगैरह लिए, स्लीपर वगैरह लिए। एक अरसला ने लिया है, और बाकी जो है ना वो चीज़ें तो खैर मैं आप लोगों को ईद से पहले दिखाऊँगी इंशाल्लाह। हाय अल्लाह मियाँ यार, शादी से पहले मैं इतने पैसे जमा करती थी, शादी के बाद ना पैसे खर्च कर। आप कहाँ से आ गए? काशी सर, मेरा बेटा। आई मेरा बेटा, कितने प्यारे लग रहे हो आप। नए कपड़े पहना दिए बाबा ने आपको। कितना मेरा बेटा। अरे भैया काशी, आपने सरप्राइज दिया है गाइस, सरप्राइज मिला है हमको। दिल्ली के खाले को पक कर गया। जाओ 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 जाओ। अरे ये तो बेस्ट सरप्राइज है यार, मेरा बेटा ऐसा लग रहा है कोई बाहर मुल्क से आया हुआ है। इतना अच्छा तैयार करके तो मैं भी नहीं लाती अपने बेटे को, जितना अच्छा उनका बाप लाया है। वाह भाई वाह भाई। इजी हाय, इजी हाय मेरे बेटे। इसको आइसक्रीम खानी थी। ओह माय लॉर्ड, बेटा जी आपको पापा लेकर आए। मम्मा गंदी है, मम्मा नहीं लाती। गाड़ी जो है वो खड़ी भी 3 सेंटर के पास, बोलो तो मैं ले आऊं। नहीं नहीं अभी हम चल लेंगे, अभी हम बाहर घूमेंगे थोड़ा सा। इधर पापा दो दे दो, मैं लाऊं बेटा। हां नाक पे लग गया। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे बेटे को। अभी यकीन करें मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रही थी, यकीन करें थोड़ी देर पहले ही मैं इसको मिस कर रही थी। एनी कितना उसने तुम्हारा, मैं तुम्हारे पैसे देखने आई थी। हाँ तो तुम हो ही बेवकूफ हो, तुम्हारे पैसे ताड़ने आई थी। मैंने बोला शर्म नहीं आती बड़ी बहन के पैसे ताड़ रही हूँ, कितने पैसे कितने पैसे। तुम प्यारा तैयार करके लाए बाबा, असल ना देख रहे हो काशिफ ने, और मैं इतना गंदा तैयार कर लूँ। अच्छा मसला ये, काशिफ को जो कपड़े मिलते हैं ना, काशिफ उसको नए कपड़े पहना देते हैं। मैं उसको नए कपड़े सिर्फ कहीं आने जाने में पहनाती हूँ, लोग मुझे देख देख के हंसते हुए जा रहे हैं। काशी इतने लोग मिले, इतने लोग मिले माशाल्लाह मुझे आज। काशी मैंने इसको अरसलना को ना, ये देख रहे शॉप अद्दी, यहाँ से गिफ्ट दिलाया है। गिफ्ट वहाँ पर सस्ते सस्ते कपड़े खरीद रहे हैं गिफ्ट देने के लिए, पर बहुत अच्छे हैं। अभी अपन लोग जाएंगे, कुछ अच्छा सा खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तारिक रोड विजिट कर लिया पर इतना मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि धक्का मुक्की नहीं हो रही है। जब धक्का मुक्की होगी मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा शौर कहाँ गया बेटे के साथ? प्रैंक होगा ना मेरे ऊपर, ऐसा प्रैंक करना भी नहीं कि पानी फेंको मुँह पर, फेंकूँगी फिर मज़ा आ जाएगा। ये देखो यार मेरा बेटा अलग ही माशाल्लाह लग रहा है, अमीर की औलाद। ये बेटा गरीब के बच्चे। चलो मैं तो प्री लोग यहां से निकलने का। गिरबान खोल के बदमाश हो यार। रुक यार रुक, पहली फुर्सत में तो हमारी स्ट्रीट शॉपिंग भी अच्छी खासी जो है वो हो चुकी है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी उस जगह पे जहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, वो है तारिक रोड का वो जो MCB बैंक होता है जहाँ मैं हमेशा आती हूँ। अच्छे आपको तारिक रोड से ना इस तरह के मिल सकते हैं, गवर्नमेंट पहनने के लिए ना रमजान वगैरह में बुरे नहीं। और यहाँ पर मेरे शोहर पता नहीं भाई, इनके पास बहुत ही प्यारे से बैग होते हैं तारिक रोड पर, और भाई हमारे साथ हैं। भाई बता रहे हैं कि भाई के घर पे हमारी ब्लॉग्स देखते हैं। और क्या नाम है आपके? जैनब, कैसी हो, क्या हाल चाल है? ये ब्लॉग आएगा कल या परसों तो ज़रूर दिखाइएगा उन्हें। हाय हम लोग आ गए। अच्छा जी एक चीज़ नोटिस करी, अब तुम देखो ये अपना बच्चा लेकर आए ना, अपने बच्चे के साथ ही लगे हुए, मुझे पूछ भी नहीं रहे। पूछे तो मैं यहाँ पे हाँ गोद में उठा ले तो क्या हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। देखो ये जो है ना शौहर जो मेरे आते हैं ना अपने बच्चे के साथ, तो फिर वो अपने बच्चे पे लगे रहते हैं। भाई तो टांगों में वैसे भी दर्द ही रहता है। इस वक्त हम लोग जो है ना यहाँ पर आए हैं, ये अंडा शंडा खा रहे हैं, और मैं जो है वो इस वक्त यहाँ चाउमीन खाने आई हूँ। हम लोग परसों आए होंगे अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा हो,
तो यहाँ पर बंद थे और आज फाइनली चाउमिन खुले हुए हैं, सो हमने सोचा कि लग गया तो चाउमिन खा लेते हैं, और मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। मिलते हैं हमें सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के सिंध बैंक के बिल्कुल सामने, एंड दिस इज वेरी वेरी फेमस चाउमिन। मेरे तो फौरन से देख कर ही ना मुँह में वो आ गया है पानी, खा लो गिरना जाए मुँह का पानी। यार मुझे एक बात बताओ, आप लोग, अजान होने वाला है 3 साल का, जून में 3 साल का हो जाएगा 19 जून को, तो अजान को कब से पॉटी ट्रेनिंग देनी है मुझे, वॉशरूम में पॉटी वगैरह करे प्लीज मुझे आप लोग लाजमी बताना। अच्छा जी, सो इस वक्त हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आ गए हैं, बहुत ज्यादा क्रेजी लोग मिले आज मुझे, इतना मजा आया स्ट्रीट्स पे, बच्चियां लड़कियां दूर दूर से यार भाग भाग के ऐसे आ रही थी, मैं भी इनके पास भाग भाग के जा रही थी। आज तो मैं इतने अच्छे उससे, मैं वैसे अच्छे मूड में ही होती हूँ, लेकिन जो भी मेरे साथ आज लोग मिले ना, तो मैंने उनके साथ वीडियोज बनाई है, पिक्चर्स बनाई है, इतना मजा आता है ना मुझे आप लोगों के साथ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। सो बस इसी तरह आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। इस वक्त मेरा बेटा लड़ रहा है, क्या क्यों लड़ रहे हो बाबा से? बेटा मेरी बात सुनो, पहले आपके कपड़े चेंज होंगे, क्योंकि व्हाइट शर्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू थी जो बाबा आपको पहना के ले आए। काशिफ से आज इतनी सेटिस्फाई हुई है, मेरी बहनें कह रही हैं काशिफ भाई आप ही तैयार करा करो अजान को, उरूज अच्छा तैयार नहीं करती, क्योंकि काशिफ को पता नहीं कौन से कपड़े नए हैं, कौन से पहनाने कौन से नहीं। खैर बहरहाल जो भी है, सो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, रखिएगा अपना बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज, जज़ाकअल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, आई लव यू एंड आई लव यू। मजा नहीं आ रहा है मेरा बेटा, इधर आओ, क्या हुआ? खुद से उतारेगा, खुद से नहीं उतारना, मम्मा उतारे, चलो बैठो, इधर बैठो। अब आप एक सेकंड, इधर से एक सेकंड अजान, इधर से पकड़ो आप खुद पकड़ो, देखो हल्का सा ऐसे करो, अब उतार दो इतना तो कर दिया मम्मा ने, चलो उतारो, इसे इतनी जिद नहीं लगाया करो, अगर बाबा कोई चीज कह रहे हैं ना तो फौरन सुन लिया करो। इधर मैं क्या बोल रही हूँ, अगर कोई बाबा बात कर रहे हैं ना बेटा, बाबा की बात फौरन मानते हैं, इतना सा भी बाबा को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं खाओ, ये खराब हो जाएगी, पहले